नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु, HBM इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिस बिज़नेस के बारे में कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें लागत क्या लगने वाली है, बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स तो देखिए ऐसे हैं ही नहीं कि ना मिले, बेनिफिट इतना मिलने वाला है कि उतना आप ले नहीं पाओगे, इतना बेनिफिट है इस बिज़नेस में। दोस्तों, इस बिज़नेस को आपको पूरी तरीके से समझना है। स्टार्टअप के लिए पैसे कितने लगने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, पैसे आपको शुरुआत में कितने मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं, और अगर इसके लिए कोई लोन फंडिंग या गवर्नमेंट भी कुछ देता है या नहीं देता है। इस वीडियो में इस बिज़नेस के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। आपने शुरुआत में देख लिया होगा कि कुल्हड़ बनाने का बिज़नेस है ये, इसका स्टार्टअप कैसे करें। अगर आपके माइंड में है, यहाँ पे चल रहा है कि भैया मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, वो भी कुल्हड़ बनाने का, तो इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कैसे ग्रो किया जा सकता है, आज पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और कैसे करना पड़ता है वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और नए तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए बिज़नेस के वीडियोज़ आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, कुल्हड़ बनाने का बिज़नेस, ये बिज़नेस अपने आप में, जब से ये चाय के, जैसे अब ये चाय वाला या कोई और चाय वाला ग्रेजुएट चाय वाली या बहुत तरीके से जब लोगों को चाय पीने का एक चस्का जैसे बढ़ा, तो उस तरीके से कुल्हड़ में चाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। आप अगर 5 रुपए की इतनी बड़ी भी अगर कागज़ या फाइबर के किसी भी ग्लास में देते हो तो लोग उतना उसे अच्छा नहीं समझते, और कुल्हड़ की चाय लोग आप 15 रुपए में दे देते हो तो बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, और ख़रीद करके बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एक दो दो लोग। जब पहले कुल्हड़, ये कुहार के यहाँ कुल्हड़ बनता था, छोटा छोटा कुल्हड़, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनता था, वो हैंड मेकिंग था, लेकिन अच्छा था, उनकी भी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन जब से ये मशीन आई है, इसका कुल्हड़ का रेट भी अच्छा खासा है और ये बिकता भी बहुत अच्छा है, और क्वालिटी भी नंबर एक की होती है, और मार्केट इसका बहुत अच्छा है। कहीं पे भी आप इसे बेचना चाहो, ऑर्डर नहीं ले पाओगे, ये मैं गारंटी लिख करके देता हूँ वीडियो को पूरा देखने के बाद, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तो। तो दोस्तों, जिस मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस के, इस बिज़नेस में प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है। लॉस तो 1% का भी नहीं, आपको कभी नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप लिख करके पहले लिख लो। और दूसरी चीज़ की प्रॉफिट क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट क्या लगेंगे, लेबर्स कितने लगेंगे, मतलब इस मशीन को चलाने के लिए या मशीन को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। कि अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो देखिए, नॉर्मल तरीके से आपको ये मान के चलिए मिनिमम 5 मशीनें आपको ला कर रखने पड़ेंगे, और उस मशीनों में क्योंकि 4-5 लेबर आप रखेंगे, तभी अगर आप मान लीजिए डेली का 1000 कूलर तो बनाइए ही, क्योंकि इसका डिमांड इतना ज़्यादा है। या तो आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, आपका मार्केट बढ़ता है तो आप 10 लाइए 20 लाइए, जितना भी आपका मार्केट बढ़ता है उस हिसाब से काम करिए। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं तो ये बिजनेस करना बिल्कुल, मतलब इसमें ऐसी कोई रॉ मटेरियल नहीं है जो कि खराब होने वाली है। रॉ मटेरियल में आपको मिट्टी लगना है, ठीक है, रॉ मटेरियल मिट्टी के अलावा आप क्या लगाने वाले इसमें, ठीक है। लेकिन मिट्टी को आपको इतनी बारीकी से यूज करना होगा, यूज करने का मतलब है उसको लाना पड़ेगा, चालना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, बिल्कुल पाउडर जैसा उसको बनाना पड़ेगा। उसकी पेराई होती है, सनाई के बाद पेराई, उसके बाद वो निकल के आती है वो मिट्टी, तो थोड़े थोड़े मिट्टी कुल्हड़ के सांचे में डाल करके उसको बनाया जाता है, उसके बाद इसको सुखा करके पकाया जाता है, तब ये जा करके मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है। और एक कुल्हड़ का जो कॉस्ट आता है वो 1 रुपया भी होता है, 2 रुपया भी होता है, 5 रुपया भी होता है, 10 रुपया भी होता है, कि किस कॉस्ट का कुल्हड़ और किस डिज़ाइन का कुल्हड़ आप ले रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। और इसमें आपको मान के चलिए 50% प्रॉफिट आपका होने वाला है। अगर आप 2 रुपए का कुल्हड़ बेचते हैं तो 1 रुपया आपका प्रॉफिट है, अगर दिन भर में आप 1000 कुल्हड़ बनाते हैं तो 2000 रुपये आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं नॉर्मल तरीके से कि 1 रुपए का कुल्हड़ कोई होगा, क्योंकि 1 रुपए का कुल्हड़ तो नॉर्मल मार्केट में आ जाता है, ये जो आप लेने जाते हैं कुहार के यहाँ से, तो डिजाइनिंग वाला बड़ा कुल्हड़ मार्केट में आपको नॉर्मल 3-4 रुपए तक बिकेगा आपका, ठीक है, 3 रुपए तक तो बिकेगा ही, और जिसमें आपका अच्छा मुनाफा भी होगा। इस चीज़ को आप लस्सी बनाने वाला भी बना सकते हो, मतलब आपके पास ब्रांड बहुत सारे होते हैं जिनको आप बना सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, जो कि एक अच्छे तरीके से शुरुआत हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट, इसमें सारे मशीन्स आ जाएंगे, आपका सेटअप तैयार हो जाएगा, बिजनेस करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, रॉ मटेरियल भी एक बार में आ जाएंगे, और सारी मशीनें भी यहाँ पर आ जाएंगी जिन जिन मशीनों की आवश्यकता आपको होती है।
तो ये सारी चीज़ें करके आप एक अच्छा बिजनेस ला सकते हैं, और महीने का लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं अगर आप छोटा बिजनेस इससे शुरू करते हैं। तब भी बड़ा होने पे आप इससे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन वो आपके मेहनत और एफर्ट के ऊपर करता है डिपेंड कि आप कितना ज़्यादा आप इससे अर्निंग करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा मटेरियल तैयार करके, कितना ज़्यादा इसकी मार्केटिंग करके सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई लोन लेना चाहते हैं, लास्ट में आता है कि हम इसके लिए फंडिंग कहाँ से लाएंगे। अगर आप एक स्टार्टअप वाले हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टार्टअप के लिए लोन मिल जाते हैं PMEGP की थ्रू। उस पर जा करके आप अपने जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसको आप उसमें दर्शाइए। कोई एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लीजिए, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा कि आपके इस बिजनेस के लिए इतना अमाउंट लगने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप शुरू करना चाहते हैं, अब किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, चाहे वो एक कलम हो, चाहे वो एक कुल्हड़ हो, चाहे वो कार हो, सबका मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। और उस मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑनर होता है जिसके ऑनर आप होंगे। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, बैंक में सबमिट करो, लोन वहां से आपको अप्रूव हो सकता है। उसमें आप दिखाओ कि भाई हम 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की हमको जरूरत है, 1 लाख हमारे पास है, 9 लाख का गवर्नमेंट दे दे, जो भी ब्याज होगा हम उस ब्याज पे इसको पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके गवर्नमेंट से भी मदद इसकी इस चीज़ के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि PMEGP का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है इस बिजनेसेस को करने के लिए। अगर आपको ये बिजनेस की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और देखिए, कुछ बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ मशीनें आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसे हम कंबाइंड राइस मिल मशीन, 3-in-1 राइस मिल मशीन, सिंगल राइस मिल मशीन, बहुत सारी मशीनें आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अगर इस तरीके की कोई मशीन आपको खरीदना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके, जो नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो, इस मशीन के बारे में पूरा समझ सकते हो और मशीन को अपने घर पर मंगा सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए और नए बिजनेसेस से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।